हेलो फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2023 से पहले बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां कुछ बड़े खिलाड़ियों ने ट्रेड विंडो के जरिए अपनी टीम बदलने का मन बना लिया है या कंफर्म तरीके से टीम बदलने वाले हैं ट्रेड विंडो के जरिए। कौन से होने वाले हैं वो 6 खिलाड़ी जो ट्रेड विंडो के जरिए दूसरी टीमों में अब ट्रेड होने वाले हैं, सारी चीज आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन जो कि जनवरी या फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा 2023 में, उससे पहले 15 नवंबर 2022 से ट्रेड विंडो ओपन हो जाएगी जो कि ऑलमोस्ट एक मंथ तक रहने वाली है। इसी के रिगार्डिंग सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को ट्रेड कर सकती है। फ्रेंड्स, आइए एक नजर डालते हैं कि किन खिलाड़ियों को आईपीएल 2023 से पहले ट्रेड विंडो के जरिए ट्रेड किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नाम आ रहा है मनीष पांडे का, जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की ओर से खेल रहे हैं आईपीएल 2022 से। बात करें आरसीबी की, इनको ट्रेड करना चाहेगी जो कि एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और आरसीबी को एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की सख्त जरूरत है। तो गाइस, नंबर 2 पर बात करें तो यहां नाम आता है शाहरुख खान का, जो पंजाब किंग्स की ओर से खेले थे और अब ये सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेड होने वाले हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को एक फिनिशर्स के रूप में चाहिए जो कि शाहरुख खान एक बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। तो गाइस, बात करें नंबर 3 पर नाम आता है कायरन पोलार्ड का, जो कि इस लिस्ट में काफी चौंकाने वाला नाम है। मुंबई इंडियंस की टीम इनको अब रिलीज करने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास डेविड ब्रेवेस, ट्रिस्टन स्टार्क, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, डैनियल सैम जैसे हार्ड हिटर खिलाड़ी हैं। इनको देखते हुए अब कायरन पोलार्ड की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। इसी के रिगार्डिंग अब चेन्नई सुपर किंग्स इनको ट्रेड करने वाली है, क्योंकि सीएसके की टीम हमेशा से ही दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रेड करती है, ये अपनी टीम में रखती है। तो कायरन पोलार्ड ये भूमिका काफी अच्छे से सीएसके में निभा सकते हैं। तो गाइज, अगर 15 नवंबर 2022 को ट्रेड विंडो ओपन होती है, तो सबसे पहले अगर जो खिलाड़ी ट्रेड होगा उसका नाम होगा रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और सीएसके ऑफिशियल के बीच पिछले काफी समय से सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी के रिगार्डिंग रविंद्र जडेजा सीएसके की टीम को छोड़ने वाले हैं और मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस की टीम इनको निश्चित रूप से ट्रेड करने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमों को एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत है जिसकी भूमिका रविंद्र जडेजा अच्छे से निभाने वाले हैं। तो गाइस, नंबर 5 पर नाम आता है पैट कमिंस का, जिनका आईपीएल 2022 में काफी खराब प्रदर्शन रहा था। केवल एक मुकाबला ही इन्होंने बल्ले से जिताया था, गेंदबाजी काफी साधारण रही थी। आप भी कमेंट करके बताएं कि पैट कमिंस कौन सी टीम में ट्रेड होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वहीं बात करें, सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें वायरल हो रही है कि विराट कोहली को सीएसके में ट्रेड किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या विराट कोहली आरसीबी की टीम छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बनने वाले हैं आईपीएल 2023 में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।